हम लोगों ने अभी तक यही देखा कि स्पार्क में ढेर सारे फंक्शंस हैं जिनका हम इस्तेमाल अलग समय पे अलग अलग पर्पस से यूज करते हैं, लेकिन उन सारे फंक्शंस की दो कैटेगरी है, पहला है एक्शन और दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन। फंक्शंस कितने प्रकार के हैं ये हमने पहले भी देखा है इसको, लेकिन यहाँ पे बस रेफरेंस के लिए बात कर रहा हूँ। फंक्शंस हमारे पास दो कैटेगरी में है, पहला है एक्शन और दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या आ गया, मैप आ गया, फ्लैट मैप आ गया है ना, रिड्यूस बाय की आ गया, इस तरह के ये फंक्शंस है हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। एक्शन में हो गया कलेक्ट, टेक, इस तरह के हमारे पास फंक्शन है एक्शन। तो ट्रांसफॉर्मेशन में भी दो प्रकार की कैटेगरी है, ये मैप और फ्लैट मैप, जिनको की शफलिंग की कोई जरूरत नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नैरो ट्रांसफॉर्मेशन। और ये रिड्यूस बाय की, इसमें शफलिंग की जरूरत पड़ती है इसलिए इसको कहते हैं वाइड ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। इसको मैंने बहुत डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अब ये बस बात को अभी दिमाग में रखना है ताकि अभी नेक्स्ट स्टेप अब हम पढ़ सकें, उसको समझ सकें। अब हमें पढ़ना ये है कि हम अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, डैग डायग्राम की बात कर रहे थे कि जब भी हमारा जो क्लस्टर है उसमें मास्टर नोड है, वर्कर नोड है, मास्टर नोड हमारा डैग डायग्राम बनाता है। तो डैग डायग्राम वो किस बेसिस पे बनाता है वो उसको आज हम देखेंगे कि डैग डायग्राम आखिर बनता क्यों है। डैग डायग्राम कुछ नहीं है, पहले भी मैं बता चुका हूँ, डैग डायग्राम एक तरह से समझो फ्लो चार्ट है। जैसे सी और सी प्लस प्लस जब तुम पढ़ते थे या कोई भी लैंग्वेज पढ़ते होगे या इवन कि दूसरे सब्जेक्ट्स में भी हम फ्लो चार्ट बनाते हैं कि आखिर कंट्रोल हमारा फ्लो कैसे कर रहा है, डेटा हमारा फ्लो कैसे कर रहा है। डेटाबेस में भी था हमारा, डीएफडी वगैरह था, और यहाँ पे भी है। तो बस वही चीज़ यहाँ पे भी कंटिन्यू है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हमारा फ्लो कैसा है उसी को, फ्लो चार्ट को ही हम यहाँ पे कहते हैं डैग डायग्राम। इसमें बस कंडीशन इतना ही है, डैग डायग्राम है तो फ्लो चार्ट में जैसे हम लोग बनाते थे कोई सा भी फ्लो चार्ट, तो इस तरह से लिखते कुछ भी, और मान लो कि कुछ भी हुआ तो फिर ये जाके फिर ऐसे कर देते थे कि ये साइक्लिक ऑर्डर में जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जब डैग डायग्राम बनाएंगे तो ये हम साइक्लिक ऑर्डर में नहीं डालेंगे, कोई भी चीज़ जब हो गया एक बार तो फिर वो दोबारा उसमें कंट्रोल नहीं जाएगा, ये नहीं बना सकते डैग डायग्राम, ये प्रोहिबिटेड है, ये साइक्लिक है, साइक्लिक नहीं है, घूम के फिर से नहीं जाएगा। और दूसरी बड़ी बात क्या है, फ्लो चार्ट की तरह ही इसमें एरो का इस्तेमाल करेंगे, जैसे फ्लो चार्ट में हम करते थे एरो का इस्तेमाल, वैसे ही डैग डायग्राम बनाते वक्त भी हम लोग एरो का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज नेसेसरी। ये जरूरी है, ये जरूरी नहीं है। अगर इस कंडीशन के साथ अगर तुमने फ्लो चार्ट बना लिया तो उसी को हम लोग कहते हैं डैग डायग्राम, अपने प्रोग्राम का डैग डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, है ना। डायरेक्टेड मतलब ये एरो है, ए साइक्लिक मतलब ये घूम के बार बार नहीं जा सकता, साइक्लिक नहीं है, ए साइक्लिक मतलब साइक्लिक नहीं है, और ग्राफ है ये बस, है ना। इसी को हम लोग कहते हैं फ्लो चार्ट यानी डैग डायग्राम। अब आ जाओ कि अगर हमने प्रोग्राम लिखा है तो उसका डायग्राम कैसा होगा। सपोज कोई प्रोग्राम हमने लिखा, अभी तक जैसे जो भी प्रोग्राम हमने लिखा अभी तक उसी में से कोई सा भी प्रोग्राम ले लेते हैं और उसमें देखेंगे उस प्रोग्राम को लिखने के बाद कि उसका डैग डायग्राम कैसा बनेगा। उसके बाद फिर प्रैक्टिकल भी करेंगे, हम कम्युनिटी एडिशन में डेटाब्रिक्स के उस प्रोग्राम को लिखेंगे और उसका बना हुआ डैग डायग्राम भी देखेंगे और मैच कराएंगे कि हमारे बनाए हुए डैग डायग्राम से मैच करता है या नहीं। समझ में आ रही है बात। डैग डायग्राम कुछ नहीं, एक फिजिकल प्लान है कि हमारा कंट्रोल या डेटा कैसे फ्लो करेगा, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जाएगा तो कैसे जाएगा। क्योंकि ये जरूरी क्यों है, फ्लो चार्ट बनाना क्यों जरूरी था, क्योंकि फ्लो चार्ट देख के तुम बता सकते हो कि हमारे प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा,
कहां पे वो कैसे कैसे ट्रेवल करेगा, बस वही पर्पस यहां भी है, बहुत बड़ी बात नहीं है डैग डायग्राम। तो एक प्रोग्राम लिखते हैं, छोटा सा प्रोग्राम, और उसका डैग डायग्राम बना के देखते हैं। अब सबसे प्यारा सा जो सबसे इजी सा एग्जांपल है वही है, आरडीडी पे हमने लिया, एक टेक्स्ट फाइल एडिट की, ये यहाँ फाइल पाथ दिया, जो भी है ये हमारा आरडीडी पे रीड कर रहे हैं। अब इस आरडीडी को हम लोग क्या करते थे, मैप करते थे, मैप फंक्शन लगा देते थे, और स्प्लिट करते थे। कॉमा के बेसिस पे या स्पेस के बेसिस पे, जो भी उस तरह से हमने कर लिया। हमने अगर यहां पे इंडेक्स वैल्यू ली है, 0 या 1 लिखा है तो मैप लिखते थे, अगर इंडेक्स वैल्यू नहीं ली है तो यहां पे हम लोग फ्लैट मैप लिखते थे। तो यहां पे हम लोग फ्लैट मैप लिख देते हैं, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। फ्लैट मैप और मैप में फर्क क्या है, यही पूछ रहे हो ना? हाँ देखो, मैप और फ्लैट मैप में बस इतना ही फर्क है कि मैप में तुम एक वैल्यू लेते हो, कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू है ना, और वो वैल्यू देता है मैं मैप का। लेकिन अगर वो, जैसे मैं एग्जांपल से बताता हूँ, मान लो यहाँ पे ये वाला है, हमारे पास डेटा है, ये सपोज डेटा ये है हमारे पास, मान लो एप्पल है, एप्पल है, ऑरेंज है ना, और एप्पल ऑरेंज ही है, ठीक है चलो इतना ही पे लेके चलो। फिर यहाँ भी है एप्पल है, मैंगो है, इस तरह यही डेटा है बस, और ज्यादा डेटा मत लो, इतना ही डेटा लेके चलो। तो अब ये बताओ कि इस, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्लैट मैप, सॉरी मैप लिखता हूँ, सबसे पहले लिखता हूँ मैप, आरडीडी मैप लिखो, आरडीडी डॉट मैप एक्स। किस बेसिस पे स्प्लिट करोगे, देखो डेटा किस बेसिस पे स्प्लिटेड है बताओ, स्पेस के बेसिस पे स्प्लिट है ना, हाँ स्पेस के बेसिस पे, तो एक्स एक्स डॉट स्प्लिट किस बेसिस पे, स्पेस के बेसिस पर, बस इतना अगर लिखोगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ये देखो x डॉट स्प्लिट जैसे ही तुमने किया तो ये स्प्लिट करेगा, एप्पल और ऑरेंज को अलग अलग कर दिया उसने, है ना, एप्पल और ऑरेंज को वो अलग अलग करके एरे में डालेगा, यानी कि इसका जो आउटपुट होगा वो ऐसा होगा, a डबल r a वाई एरे एप्पल अलग अलग हो गए कॉमा ऑरेंज, फिर एरे, फिर नेक्स्ट लाइन एप्पल मैंगो, इसकी वैल्यू पेयर में पड़ गया, देख रहे हो ना एरे एरे बनता जा रहा है, तो एरे एरे बन रहा है और इसके ऊपर एक और एरे बनेगा सुपर, क्योंकि सारे एलिमेंट्स को रखना भी है, तो इस तरह से ये एरे बन रहा है, तो एरे के अंदर एरे बन रहा है जो कि कॉम्प्लेक्स बन गया है। तो अगर हमारे पास दो ऑप्शन इसको सॉल्व करने का, इस कॉम्प्लेक्सिटी को तोड़ने का हमारे पास दो ऑप्शन, एक तो हम स्प्लिट जो लगा रहे हैं स्पेस के बेसिस पे उसको ना लिख के अगर हम ऐसा लिखें, इंडेक्स वैल्यू पे लिखें, अगर हम ये 0 लिख दिया, अभी 0 पे लिए, ये 0 पे अगर हमने लिख दिया तो ये क्या देगा, हमें एलिमेंट देगा, समझो बात को, अगर हमने इंडेक्स वैल्यू दे दी तो वो सिर्फ एलिमेंट देगा, अगर इंडेक्स वैल्यू नहीं दी और स्प्लिट करा दिया तो जितना भी स्प्लिट होने के बाद जो भी आइटम बना उसको एरे में सजा के दे देगा। तो हमने क्या किया, अब 0 एलिमेंट लिया, तब ये क्या करेगा, ये एरे नहीं देगा, ये सिर्फ 0th एलिमेंट देगा, यानी एप्पल देगा, ये पूरा का पूरा डिस्कार्ड, ये पूरा का पूरा डिस्कार्ड।
सिर्फ एलिमेंट दे रहा है, जीरोथ लोकेशन पे एप्पल है तो एप्पल दिया, फिर नेक्स्ट लाइन में जीरोथ लोकेशन पे क्या एप्पल है तो एप्पल देगा, यानी कि ये एप्पल और ये एप्पल मिला और हमारे पास तो एक एरे है ही, तो ये हमारे लिए एरे के अंदर एक एलिमेंट सजा हुआ मिल गया। तो ऐसा ये तरीका है, जो भी अगर एलिमेंट तुम्हें लेना है इंडेक्स वैल्यू के थ्रू तो ऐसे ले सकते हो, है ना। तो अगर दो एलिमेंट है तो जीरो और उसके बाद फिर तुम्हें कॉमा यहां पे देना पड़ेगा और फिर एक स्प्लिट फिर वन इंडेक्स वैल्यू वन पे लेना पड़ेगा, यानी दूसरा एलिमेंट भी तुम्हें इस तरह से लेना पड़ेगा, तो वो एक तरीका है ले सकते हो वैसे। और आसान तरीका यह है कि हम क्या करेंगे, यहां पे इंडेक्स वैल्यू नहीं देंगे, ये इंडेक्स वैल्यू यहां से हटा देंगे और यहां पे फ्लैट मैप लगा देंगे, यहां पे मैप की जगह पे लगा देंगे फ्लैट। तो फ्लैट लगाने से क्या फायदा होगा कि जितना एरे जो एरे के अंदर एरे बन रहा वो टूट जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, टूट जाएगा पूरा का पूरा और वो एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि एरे के अंदर हाँ बिल्कुल एरे के अंदर जो एरे बना रहा वो नहीं बनेगा अब, वो फ्लैट हो गया, बस यही फायदा है उसका। अब तो हाँ, तो मैं लिख रहा था कि डायग्राम कैसे बनाते हैं, चलो ये समझ में आ गई बात। अब इसको यहाँ पे ये यही डेटा रखो अभी और इसको अब लिखो sc डॉट फ्लैट मैप, स्प्लिट के बेसिस पे कर दो, तो ये टूट गया तुम्हारा पूरा का पूरा और ये आ गया इस वैल आरटीडी वन, एक दूसरा वेरिएबल ले लो, ये वैल्यू टूट गई तुम्हारा एरे में आ गया, है ना। अब एरे में आने के बाद उसको की वैल्यू पेयर में कन्वर्ट करोगे, की वैल्यू पेयर में कन्वर्ट करने के लिए वन की तुम्हारा ये जो भी आइटम है वो तुम्हारा की हो गया और वैल्यू तुम दोगे एक कॉन्स्टेंट दैट इज वन, तो वो की वैल्यू पेयर में कन्वर्ट करोगे तो फिर से वैसा ही लिखोगे। यहाँ पे एससी नहीं होगा ना यार, ध्यान दो तुम लोग, आरडीड होगा ना, अब यहाँ पे लिखा आरडीडी वन डॉट फिर से मैप और एक्स और उसको मैप कर दोगे एक्स की और ये वैल्यू वन हो गया तुम्हारा। ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, तो की वैल्यू पेयर में बट गया तुम और ये वैल आरडीडी टू पे आ गया तुम्हारा, है ना। अब जब तुम्हारा ये जो वैल्यू है वो इस तरह से कन्वर्ट हो गया एप्पल वन ऑरेंज वन एप्पल वन एप्पल और ये फिर मैंगो मैंगो वन, इस तरह से वैल्यू तुम्हारा ये बन गया वैल्यू पेयर। अब इसके बाद तुम क्या कर रहे हो, रिड्यूस बाई की लगा रहे हो, आरडीडी टू डॉट रिड्यूस बाई यहां पे एक्स बिल्कुल एक्स कॉमा वाई फिर एक्स प्लस वाई, ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है, वो ज्यादा नहीं जा रहा मैं, है ना। ये वैल रिजल्ट पे मैं अभी आज डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूं उस पर ध्यान दूंगा, ये रिजल्ट आ गया तुम हाँ। अब देखो डैग डायग्राम, तो डैग डायग्राम में हमें इस बात का ध्यान देना है, तीन चीजों का ध्यान देना है डैग डायग्राम बनाने से, क्योंकि ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसलिए इसको हल्के में मत लेना इस क्वेश्चन को, डैग डायग्राम ये पूछता ही पूछता है किसी भी इंटरव्यू में, है ना। दो साल के एक्सपीरियंस पे दो, चार साल के एक्सपीरियंस पे दो या आठ साल के एक्सपीरियंस पे दो, ये पूछेगा ही पूछेगा। तो अब जो भी डैग डायग्राम जिस भी प्रोग्राम का तुम्हें बनाना है तो उसमें तुम्हें पहले ये चूज करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एक्शन कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ कहाँ पे है। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन, तो हमें वो आइडेंटिफाई करना होगा। और ट्रांसफॉर्मेशन में भी दो तरह के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, एक वाइड ट्रांसफॉर्मेशन और एक नैरो ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी पढ़ चुके हो, तो वो आइडेंटिफाई इसमें करो। एक्शन जब भी होगा वो ड्राइवर नोड पे ही रन करेगा। और ये भी ध्यान देने की बात है कि
एक्शन जब होगा तो ही आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज क्यों करेगा? एक्शन की अगर जरूरत आपके प्रोग्राम में नहीं है वो एग्जीक्यूट भी नहीं करेगा। मैं अभी दिखाऊंगा प्रैक्टिकल करके। एक्शन मान लीजिए कि मेरे पास आलमीरा में 100 रुपए रखे हुए, वो मुझे निकाल के आपको देना है, आप मेरे दरवाजे पे आए और ये कह रहे हैं कि देशबंधु 100 रुपए आप मुझे दीजिए, ठीक है, मैं जाऊंगा वो रुपया निकाल के आपको दूंगा, लेकिन आप यहां पे आ गए हैं और मुझसे कुछ कह ही नहीं रहे, तो मैं क्यों जाके निकाल के लाऊंगा खुद से, है ना? वैसी ही बात है यहां पे, इसीलिए इसको कहते हैं लेजी इवैल्यूएशन। जब तक एग्जाम नहीं आएगा तब तक ये नहीं पढ़ेगा, जब तक आप एक्शन नहीं लिखेंगे यहां पे, ये कोई प्रोग्राम यहां पे एग्जीक्यूट नहीं करने वाला। ये लाइन, ये बहुत मार्केबल बात कह रहा हूं मैं, ध्यान देने की बात है। अगर मैं इतना लाइन लिख के अभी दिखाऊंगा आपको और रन करा के, तो इसका कोई आउटपुट नहीं निकलेगा और कोई डायग्राम नहीं बनेगा इसका, क्योंकि इसमें एक्शन है ही नहीं, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। आप बताइए ये क्या है, ये क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है। ये क्या है? ये भी ट्रांसफॉर्मेशन है। ये क्या है? ये भी ट्रांसफॉर्मेशन है। ये क्या है? ये भी ट्रांसफॉर्मेशन है। ये किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है? ये वाइड ट्रांसफॉर्मेशन है। ये किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है? ये नैरो ट्रांसफॉर्मेशन है। ये किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है? ये भी नैरो ट्रांसफॉर्मेशन है और ये भी ट्रांसफॉर्मेशन ही है। लेकिन ये एक्शन इसमें नहीं है, इसलिए ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, इसका कुछ नहीं होगा। तो आप एक यहां पे क्या लिखेंगे? एक एक्शन लिखेंगे। एक्शन में क्या लिखेंगे? रिजल्ट डॉट डायरेक्ट, ये लिख दिया। अब ये अगर आपने लिख दिया तो ये क्या है? ये एक्शन। अब जैसे ही एक्शन लिखा सारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट, ये कहेगा कलेक्ट करने के लिए, जैसे ही कलेक्ट उसे दिखेगा वो ड्राइवर नोट बोलेगा कि भाई बताओ रिजल्ट कितना है रिड्यूस बाई की को, वो बोलेगा रिड्यूस बाई की के पास तो कुछ है ही नहीं, वो बोलेगा अपने नीचे वाले को अबे निकालो यार क्या रिजल्ट है, वो देखेगा यार, वो उसे अपने नीचे वाले को पूछेगा अबे निकालो यार स्प्लिट करो इसको, बोले अच्छा चलो को डेटा पढ़ के आता हूं। ये बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब जैसा है, जब तक सेक्रेटरी नहीं पूछेगा तब तक हम कोई काम नहीं करेंगे। सेक्रेटरी जिस दिन आया, जिस दिन बॉस आया पूछ दिया कि भाई उस फाइल का क्या हुआ, तो फिर हम अपने नीचे वाले को बोलेंगे, नीचे वाला अपने नीचे वाले को बोलेगा, वो अपने नीचे वाले को बोलेगा, और वो फिर वो जो भी ड्राफ्ट करना होगा ड्राफ्ट करेगा, फिर वो अपने ऊपर वाले को देगा, फिर वो अपने ऊपर वाले को देगा, और इस तरह से जाके हम बॉस को देंगे। तो ये बॉस है हमारा कलेक्ट, ये जब मांगेगा तो ही ये एग्जीक्यूट करेगा, ये एग्जीक्यूट करेगा, ये एग्जीक्यूट करेगा और ये एग्जीक्यूट करेगा। इसी को कहते हैं लेजी इवेल्युएशन। पहले सी की तरह नहीं है, सी प्लस प्लस की तरह नहीं है, जावा की तरह नहीं है, है ना, कि लास्ट लाइन जितना लाइन लिखेंगे उतना तो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, है ना। मल्टीपल एक्शन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको। कलेक्ट मैंने या आप चाहे तो प्रिंट एफ लगा सकते हैं, फॉर लूप लगा के सारा का सारा डेटा प्रिंट करा लीजिए, कोई भी जो भी आपके जरूरत की बात है। बहुत सारा एक्शन का, एक्शन एक कैटेगरी है फंक्शन का, उसमें भी बहुत सारे आपके पास दिए हुए फंक्शंस हैं। स्पार्क ने बहुत सारे फंक्शंस दिए हैं, हम तो अभी एक ही फंक्शन यूज करें कलेक्ट, बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, सही बात है, उसकी एक अलग कैटेगरी। हाँ, लेकिन एक्शन कोई सा भी एक्शन यूज करना पड़े, है ना, ये इंपॉर्टेंट है सारे प्रोग्राम्स को रन कराने के, है ना, ठीक है। तो अब आ जाइए डैग डायग्राम के ऊपर। तो सबसे पहली बात यह है कि जब आप एक्शन नहीं लिखेंगे तब तक डैग डायग्राम नहीं बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, अब आपने लिख दिया तो बनेगा, अब बनेगा तो डैग डायग्राम में आपने देखा होगा कि ब्लॉक बनता है, ब्लॉक, तो किस ब्लॉक में कौन जाएगा वो डिसाइड करना होगा। तो जो भी आपका नैरो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक ब्लॉक में रहेगा, यानी कि ये देखिए ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, इसका एक ब्लॉक बनेगा, और वाइड ट्रांसफॉर्मेशन जहां पे भी है वो अपना एक अलग ब्लॉक बनाएगा।
ब्लॉक बनाएगा बस, और इस ब्लॉक को स्पार्क की भाषा में क्या कहते हैं, स्टेज कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेज, बस सिंपल सा है। स्टेज इसको बोल दीजिए या ब्लॉक बोलिए, हम लोग ब्लॉक बोलते हैं मतलब समझने के लिए, लेकिन स्पार्क की भाषा में इसी को स्टेज कहते हैं, बस और कुछ नहीं है। और उसके बाद किस मतलब ये आरडीडी कहाँ से कहाँ जा रहा है, इसे इसके बाद इसके पास जा रहा है, 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 ये एरो दे दीजिएगा, ये साइकिल, ये डायरेक्टेड डायरेक्शन देना पड़ेगा, यानी डायरेक्टेड ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको, तो आपके पास डायरेक्शन मिल ही गया और ग्राफ के लिए ब्लॉक मिल ही गया, बस बना दीजिए, हो गया है ना। तो आप क्या बनाएंगे, आप बनाएंगे ऐसा एक स्टेज बनाएंगे, ये स्टेज जीरो होगा या वन होगा, जो भी कोई सा भी नंबर दे दीजिए वन। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर पहला आरडीडी आएगा, वो जाएगा आरडीडी वन के पास, फिर वो आरडीडी टू के पास, या है ना, आरडीडी टू के पास, आरडीडी टू के पास, और ये फिर जाएगा ये रिड्यूस बाई की के पास, है ना, यहाँ पे रिड्यूस बाई की लिख दीजिए, रिड्यूस, यहाँ पे आरडीडी लिखने का मतलब है मेरा एरो के बारे में, यहाँ पे लिखना चाहिए था मुझे मैप, सॉरी टेक्स्ट फाइल, उसके बाद ये फ्लैट मैप, उसके बाद मैप, ये लिखना चाहिए था मुझे। आरडीडी की जगह पे आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट फाइल से डेटा ला रहे हैं, तो टेक्स्ट फाइल लिखेंगे, फिर आप फ्लैट मैप लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे फिर ये वाला ये मैप, बस हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल, उस नैरो ट्रांसफॉर्मेशन का एक ब्लॉक बन जाएगा और वाइड ट्रांसफॉर्मेशन का एक नया ब्लॉक बन जाएगा और एरो मिल जाएगा, बस सिंपल सा है ना, करके देखें। चलिए एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं ना। यहाँ पे कंप्यूट में जाना है सबसे पहले, ऑलरेडी मेरा एग डेमो नाम का क्लस्टर बना हुआ है, देखो 2 core सीपीयू है ना? अब डेटा देखते हैं, डेटा है कि नहीं, डेटा अपलोड करेंगे, यह है टैग डायग्राम, टैग अंडरस्कोर डेटा 1 और 2, ठीक है, इसको कॉपी कर लिया हम लोगों ने, देखो यही डेटा है, टैग अंडरस्कोर डेटा 1 है ना, यही इसी डेटा पे अभी हम लोग काम करेंगे। स्पेस में जा रहे हैं, चलो क्रिएट कर लेते हैं नोटबुक, कुछ अभी नाम दे दो, यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे। देखो ये डेटा कैसा है, ये डेटा थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये फाइल नेम है उसी डेटा का, ऑलरेडी अपलोडेड है, अभी जो नोटपैड में दिखाया था मैंने, तो फाइल पाथ दे दिया वहां पे, RDD1, इसी RDD को हम लोगों को इस
डेटा थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इन द सेंस कि ये देखो स्पेस से भी सेपरेटेड है और कॉमा से भी सेपरेटेड है, तो हमें डेटा को पहले टिक करना होगा, कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा मेन इंटेंशन ये नहीं है डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी टिक करें, हमारा मेन इंटेंशन है कि डैग डायग्राम कैसे बनता है वो देखें। अब ये डेटा ठीक हो गया, सो कोई नाम दे दो, इसमें देखो ये सारे डेटा कॉम स्पेस सेपरेटेड हो गए। अब इस डेटा को अपलोड करेंगे, डेस्कटॉप पे था डायग्राम। अब ये फाइल हमने पाथ इसको कॉपी कर लिया, ये पाथ हटाएंगे हम, ये नया फाइल डाला है उसका पाथ यहाँ पे देंगे। ठीक है, स्पेस सेपरेटेड है ये डेटा हमारा, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, स्पेस के बेसिस पे हमने उसको सेपरेट कर दिया, तोड़ दिया डेटा को, वन से मैप कर रहे हैं, हर एक वर्ड को की और वैल्यू वन दे देंगे, है ना, वर्ड तुम्हारा एक्स पे है वैल्यू वन हो गई, तो एक वर्ड को वैल्यू वन मिल गया, रिजल्ट में सारे वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे, ऐड कर लेंगे की के बेसिस पे, है ना, ये सब पता है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। अब रन करा दो इसको, देखो क्या बनता है, अब ये देखो आउटपुट आया, क्या कहेगा, रिजल्ट नहीं है, एक्चुअली हमने एक्शन नहीं लिखा, और जब तक एक्शन नहीं लिखा तब तक तो डेटा एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं, अब ये स्पार्क जॉब एग्जीक्यूट करेगा, है ना, अब तुम जाके डैग डायग्राम डायरेक्टली देख सकते हो उसमें। ये देखो है ना, तो स्टेज जीरो और स्टेज वन बना तुम्हारा, जहां भी तुम्हारा वाई ट्रांसफॉर्मेशन है वो नेक्स्ट स्टेज में चला गया, नैरो ट्रांसफॉर्मेशन सारे एक स्टेज में बन गया, वाई ट्रांसफॉर्मेशन नेक्स्ट स्टेज में बना, ये सारा टास्क, कितने टास्क क्रिएट हुए, तो उनमें से स्टेज को ही हम लोग टास्क कह रहे हैं, ठीक है।